आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धमाशोक यानी कि कुमार शोतो को, इनके राजकाज को और जापान के विकास में और जापान की उन्नति में, जापान को समृद्धशाली बनाने में जिनका बड़ा योगदान आया, वो योगदान किस तरह का था, तो इसे हम इस वक्त समझ भी रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो आइए हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि चीन के सम्राट को कुमार शोतोकु ने एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि सूर्योदय का जो शासक है, राजा है, ये सूर्यास्त की भूमि के शासक को अभिवादन करता है। और इस पत्र के जवाब में जब पत्र आया तो वो पत्र भी चीन के सम्राट की ओर से कुमार शोतोकु को आया। और उसके बाद ये जो चीन और जापान का जो संबंध बना, इस पर भी इतिहासकारों ने अपनी अपनी बात लिखी है। तो एक बड़े ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के इतिहास संशोधक हैं और इतिहासकार भी है, डॉक्टर मसाहारु अनेसाकी। ये उसके संबंध में लिखते हैं कि उनका 30 वर्ष का शासन जापानी इतिहास में अत्यंत युग प्रवर्तक काल है। डॉक्टर मसाहारु अनेसाकी ने ये लिखा है कि उनका 30 वर्ष का शासन जापानी इतिहास में अत्यंत युग प्रवर्तक काल है। वे जापानी सभ्यता के प्रतिष्ठापक तथा जापानी राष्ट्रीय एकता के निर्माता थे। हमने पिछली कड़ी में देखा कि शोतोकु ने जो सरदारकी में बटा हुआ जो जापान था उसे एक सूत्र में बांध लिया, तो इस तरह से वे जापान की राष्ट्रीय एकता के निर्माता भी हुए। वे लिखते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता की स्थापना की और बुद्ध धम्म के आध्यात्मिक आदर्श द्वारा जाति को अंतःप्रेरणा दी, पथ प्रदर्शन किया। उन्होंने जापानियों को कला, विज्ञान और दूसरी सांस्कृतिक बातों की शिक्षा दी। हमने पिछली कड़ियों में देखा कि शोतोकु ये अपने यहाँ से, मतलब जापान से, उनके पास में जो अच्छे छात्र थे, भिक्षु थे, उन सबको उन्होंने चीन और कोरिया भेजा, इसके लिए कि वे वहाँ से बुद्ध धम्म को सीख कर आए। वो जब लौट कर आए तो उन्होंने अपने साथ शिल्पियों को भी लाए, और जब शिल्पियों को लाए तो जापान में भी शिल्प कला का एक बड़ा विकास हुआ है। तो दूसरी सांस्कृतिक बातों की भी शिक्षा उन्होंने दी। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि पीछे के नहीं, समकालीन बौद्ध भी उन्हें करुणामय बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार मानते थे। देखिए, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार के रूप में भी शोतोकु को जापान में पहचाना जाता है। उनका उद्योग और आदर्श, उनकी प्रतिमा और प्रज्ञा उनकी वैयक्तिक विशेषता थी। उनका उद्योग और आदर्श और उनकी प्रतिमा और प्रज्ञा, ये उनकी विशेषता थी कि उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण तो था, और वे एक अच्छे शिल्पकार भी थे, वे एक अच्छे प्रचारक भी थे, वे एक अच्छे व्यक्ति भी थे और एक अच्छे धर्मोपदेशक भी थे। उस वैयक्तिक विशेषताओं में भी हम यदि किसी को श्रेय दे सकते हैं तो बुद्ध धम्म को श्रेय देना पड़ेगा, जिसने उस पुरुष में उसकी प्रतिमा को शिक्षित और विकसित किया और उसे एक उच्च आदर्श पर राष्ट्रीय जीवन की आधारशिला रखने के लिए सफल होने में सहायता दी। तो इस तरह से बुद्ध धम्म की नैतिक शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने अपना व्यक्तित्व भी विकसित किया और जापान का भी विकास किया। तो ये उनकी खासियत रही है कुमार शोतोकु की। आप देखिए कि होरियोजी मंदिर जो है जापान का एक प्राचीनतम मंदिर है, और इसका निर्माण उपराज शोतोकु ने सन 586-87 में हर्षवर्धन से 16 वर्ष पूर्व किया था। मतलब जब हमारे यहाँ हर्षवर्धन का राज्यकाल आता, उसके 16 वर्ष पहले ही जापान में ये होरियोजी का निर्माण हुआ था। और बीच में एक बार इसका मकान जल गया था, एक बार ऐसा भी हुआ कि इसका मकान जल गया, और मकान के जलने से
फिर 739 में दूसरी इमारत बनाई गई जो आज भी वहां विद्यमान है। होरोमिया रेलवे स्टेशन से मोटर बस द्वारा होरियोजी घंटे डेढ़ घंटे का रास्ता है। होरोमिया रेलवे स्टेशन से ये बहुत नजदीक है और जिन स्थानों से उपराज शोतोकु ने बुद्ध धम्म रूपी पानी से जापान की बंजर भूमि को सींच कर उसे उर्वर बनाया, उनमें भी होरियोजी संस्थान ये मुख्य था। यानी हम ये मान सकते हैं कि होरियोजी जिसका निर्माण कुमार शोतोकु ने किया, ये जापान के निर्माण में एक बड़ा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है और इसलिए आज भी ये वहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों में इसकी गणना होती है। यहाँ जापान ने सभ्यता, कला, विज्ञान एवं धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया और संपूर्ण भी किया। तो ये होरियोजी जो शोतोकु का निर्माण है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ के कुछ काष्ठ महल संसार की प्राचीनतम लकड़ी की इमारतें मानी जाती है। यहाँ के जो काष्ठ महल है, मतलब लकड़ियों के जो महल है, तो लकड़ियों से बनाए गए जो महल है, ये संसार की प्राचीनतम लकड़ी के ये महल माने जाते हैं। इन इमारतों को इस दृष्टि से भी पूरी दुनिया में एक ख्याति मिलती है। जापान की प्राचीन मूर्तिकला, चित्रकला हम यहाँ देख सकते हैं होरियोजी में। 1935 में होरियोजी को देखते हुए महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि होरियोजी मंदिर समतल भूमि पर प्राकार से घिरा हुआ है और भीतर जाने का प्रधान मंदिर दक्षिण की ओर है। ये जो पूरी बात इस होरियोजी की महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है, इस बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।